मैडम सिविल सर्जन बड़ी तह तक जा रहे ने जिथे उन्होंने कोई सोर्स पॉइंट मिलता है नहीं वो इन्हों का ठीक है कुछ नहीं है कूलर चेक कर लो करना तो करो जिथे ना बैठना उथे ना करो सोफिया के थले बैडा के थले सारे स्प्रे की जा रही है फीवर केस के घर स्प्रे की जा रही है जी सिविल सर्जन कपूरथला के दशांत निर्देशों से। हाँ जी मैडम सिविल सर्जन डॉक्टर राजविंदर कौर सिविल सर्जन कपूरथला फ्रेंड्स कलोनी एरिए एक जो फीवर का केस है वो घर जाके इन्होंने उन्होंने वाटर सोर्स जोड़े ने वो चेक किए हैं सारे देखे ने मरीज न हरभजन लाल पेशेंट आ उन्होंने खुद मिले ने ते सारी वो जानकारी ली उन्होंने और उन्होंने समझाया बारे जी की मैडम राजविंदर कौर जी सिविल सर्जन कपूरथला फ्रेंड्स कलोनी एरिए हरभजन लाल जी जिन्हों अपना वायरल फीवर है उस संबंध में वो मुआयना कर रहे हैं पेशेंट का और उन्होंने गाइडलाइन दे रहे हैं घर के जोड़े ने इन्होंने सारा सोर्स जोड़े ने वाटर पर चेक किए हैं तो तसली प्रगटाई है उन्होंने घर के इदा कोई सोर्स नहीं मिला उन्होंने गाइड कर रहे हैं। हाँ जी देखो मैडम सिविल सर्जन जी अज फ्रेंड्स कलोनी एरिए डोर टू डोर जाके चेकिंग कर रहे ने और हर घर के जिथे उन्होंने फीवर केस मिलता है सीधा मिलते हैं जाके उन्होंने डाइट उन्होंने रहन सहन का की लैना की करना और वाटर सोर्स पूरी टीम उन्होंने नाल उन्होंने जोड़े है हेल्थ इंस्पैक्टर सारे वर्कर स्प्रे टीम सारे नाल लैके उन्होंने बड़ा अज तूफानी दौरा चल रहा है मैडम सिविल सर्जन का इस मामले के क्योंकि वायरल का मौसम है तो डेंगू तो जनता जी ज़्यादा प्रभावित हो गई पर इतना ज्यादा सारे जने सहयोग दें तो जल्दी बारिश आ गई। हाँ जी भजन लाल जी मैडम सिविल सर्जन जी कपूरथला डॉक्टर राजविंदर जी अज पता लग्या कि गली दे विच मतलब फीवर दा केस समझ के तुहाडे घर आए ने अज मैडम राजविंदर कौर जी सिविल सर्जन कपूरथला
जो पवाड़ा शहर के चल रहा है कि डेंगू बड़ा फैल गया जी, लोग जड़े ने मतलब काफ़ी पैनिक हो रहे हैं, उस संबंध अज कपूरथले तो चल के ते नाल अपनी पूरी हेल्थ इंस्पैक्टर की वर्कर की टीम लैके जड़े ने वो साढ़े एरिया फ्रेंड्स कलोनी के पहुंचे ने और घर घर आ के ये लोगों एजुकेट कर रहे हैं, चैक कर रहे हैं भी किसी के गमलों में साढ़े सारे गमले इन्होंने चैक किए ने, देखे ने इन्होंने और सानू समझाया भी है भी किवें आप प्रिवेंट करना आ सारा ये इन्होंने गमले हो गए जिदा कोठे छतों के टायर होंगे ने होर साढ़े कूलर के मगर पानी या फ्रिजा मगर पानी जी चीज़ होंगी है वो बारे जानकारी दी है। तो मैं समझदा कि बड़ी इन्हों की हैगी है कि मैडम साहब सिविल सर्जन साहब जिला हैडक्वाटर तो चल के घर घर के घूम के लोगों आप एजुकेट कर रहे हैं और देख रहे हैं भी टीम जड़ियाँ ने कम किमें कर रही ने जिते डिपार्टमेंट कम कर रहा है उत्ते साडा पबलिक का भी कुछ फर्द बनता है कि असी इस संबंध एजुकेट होइए कि सवेरे उठद अभी रोजाना चैक करिए जो अं जानवरों को पानी पाने गमले पाउड रखे होंगे ने घर के बाहर वह पानी डेली चेंज होना चाहिए, कोठे दत्तों के उत्ते टायर पे ने उन्होंने पानी खड़ा हो जाता है, फ्रिजा के मगर पानी खड़ा हो जाता है, कूलर च पानी खड़ा हो जाता है, कि साढ़े ए सी अं लगे ने तो उन्होंने आउटलैट जो पानी होंगे थले बाल्टी रखी होंगी है कि चर अं चेंज नहीं करते, ये सोर्स ऑफ जो है ना डेंगू का बन जाता है, ये चीज़ा सारिया आप करा तो फिर है तो दोबारा फिर मैं अपने महल्ले की तरफों अपनी तरफों ये मैडम जी का मैडम सिविल सर्जन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हाँ नाल इन्हें टीम सारी जी इन्होंने बहुत शुक्रिया इन्होंने कि सानू जी आ जानकारी दी है और चल रहे काम की इन्होंने निगरानी की है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी मैं डॉक्टर राजविंदर सिविल सर्जन कपूरथला तो मैं अज घर घर सर्वे इस करके कर रही हूँ क्योंकि डेंगू के केसिस का थोड़ा राइज का इनफॉरमेशन आई सी जिद न कि अवेयरनैस बहुत ज़्यादा जरूरी है, सिर्फ हेल्थ टीम नहीं सब की कोऑपरेशन चाहिए है मैनू जिद न कि जे सारे आम घर भी आप अपने घर जो पानी कट्ठे हुए हुए हैं बारिश तो बाद जो देखभाल कर लैन जिदा कि गमले के पानी है छत्ता पानी खड़ा रहा या अपना आम जो कटोरे बाहर पे है जो अपने आप ही बारिश के पानी ना भर जाते जो उन्होंने आले दुआले सारे क्लीन कर लैन तो मेरा ख्याल है रल मिल के असी जिहड़ा है इस डेंगू नू जिहड़ा ओवरकम कर सकांगे। सो मैं आस करती हाँ कि सारे मेरे नाल सहयोग दिओ ताकि ना कल्ली हेल्थ टीम बल्कि सारे असी फगवाड़े वासी जिहड़े है इस चीज़ नू ओवरकम कर सकीए। थैंक यू।